हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज हम बात करेंगे नीलम जी के डाइट चार्ट के बारे में, उनकी मॉर्निंग ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक, उनके डाइट में किस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी थी जिसकी हेल्प से वेट लॉस हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एंड बहुत सारे हेल्थ इशूज़ हैं जो कि डाइट से खा पी कर ही आप नॉर्मली अपने घर के खाने से खा कर ही सॉल्व कर सकते हो। बट कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, विच इज़ लाइक टाइम मैनेजमेंट, आपका वेट अपडेट, डेली का वेट अपडेट, आपका वाटर इनटेक, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ। नीलम जी स्ट्रेस फ्री तो रहते ही रहते हैं, बट उनके साथ जो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो एक स्कूल में टीचर हैं एंड उनका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग वाला है, थकावट वाला है, भागा दौड़ी बहुत है, उसकी वजह से उनकी बॉडी को रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता था। सो उसकी वजह से उनका बॉडी में वाटर होल्ड होता था, वाटर रिटेंशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एंड हम लोग इतना, मतलब वो कभी कभार इतना स्ट्रेस में हो जाती थी और कभी कभार हम भी स्ट्रेस में आ जाते थे, जैसे मैं स्ट्रेस में आ जाती थी कि आगे क्या, एक दिन में डेढ़ डेढ़ दो दो किलो बड़ा होना और कॉन्स्टिपेशन भी मेजर आना। सो इस ऐसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ें डाइट में ऐड करनी पड़ी। तो वो जो चीज़ें क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी है जिसकी हेल्प से कॉन्स्टिपेशन दूर हुआ है, वाटर रिटेंशन दूर हुआ है एंड वेट लॉस साथ साथ चलता चला है। अब हम बात करेंगे नीलम जी के डाइट चार्ट के बारे में। उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ छोटी मोटी ज्ञान भरी बातें। सबसे पहला ए पार्ट, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बी पार्ट, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट इक्वली देना है। जितना भी आप भागा दौड़ी कर रहे हो, बच्चों के पीछे, हस्बैंड के पीछे, घर के पीछे, आपने इक्वली अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है। नंबर थर्ड, मील के टाइमिंग्स को आपको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है, एकदम एक्यूरेट बिल्कुल मील का टाइमिंग। एंड नंबर फोर्थ, आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। एंजाइटी, पल्पिटेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में आके अपनी नींद खराब नहीं करनी। एंड फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिफ्थ, डेली का वेट अपडेट। कोई भी बंदा पकड़ो, कोई भी पर्सन पकड़ो, या नहीं भी मिल रहा यार, खुद से कहीं ना कहीं अपडेट करो आपका डेली का वेट अपडेट, सो दैट कि आपको पता हो कि किस दिन कहाँ किधर क्या मिस्टेक्स चल रही है। सो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की, और मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं ऐश गार्ड का जूस, वाइट पेठे का जूस। नाउ ऐश गार्ड का जूस से ना दो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। एक तो आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। समर्स है, समर्स में तो मैंने कितने जूसेस पिलाए हैं नीलम जी को, बट सबसे ज़्यादा जूस जो हमने दिया हुआ है वो है ऐश गार्ड का जूस। बहुत सिंपल है बनाना, एक अच्छा सा जूसर लेके आएंगे और जूस बनाएंगे, चलते हैं किचन में। ओके, सो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मेरे पास है यहाँ पे वाइट पेठा, ऐश गार्ड, एक गिलास फुल हम ऐश गार्ड का जूस पियेंगे एवरी डे, हर दिन, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं और ये सीजन में बहुत अच्छा मिल रहा है। अब सो हम बनाते हैं ऐश गार्ड का जूस। ओके जी, एंड हियर वी गो। मॉर्निंग ड्रिंक रेडी, वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। जिस दिन बहुत ही मैसिव उनको कॉन्स्टिपेशन है, जिस दिन उनको बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड है और उस दिन वो घर हैं, सो मैं कहती थी आप नमक छोड़ दो आज नीलम जी, थोड़े टाइम के लिए नमक छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो, उससे ना आपका वाटर, जो वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड वो होता भी था, एक दिन में हमारा डेढ़ डेढ़ दो दो किलो लूज हो जाता था क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करती थी। नाउ अब पॉइंट ये आता है कि नमक छोड़ने से वाटर रिटेंशन कैसे ठीक होता है, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी जो कि नेक्स्ट अपकमिंग कुछ वीडियोस होंगी मेरे चैनल पे, ताकि आपको समझ आएगा कि नमक का क्या एक महत्व है हमारे फूड से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब बिना नमक का ऐसा कौन सा खाना है जो खाया भी जाए और मन करे कि चल ठीक है यार, एडजस्ट हो जाए, मतलब कि बिना नमक का खाया जाए वाला खाना। हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हम बना रहे हैं सैंडविच। ये रहे मेरे पास दो ब्राउन ब्रेड, अभी सिंपल सा सैंडविच है, बिना घी के, अभी मैं इसको सेक रही हूँ। रहा मेरे पास घी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको हम अच्छे से इसको सिकाई करेंगे। कच्चा ब्रेड नहीं खाएंगे हम बिल्कुल भी। नेक्स्ट, इसके अंदर हम लगाएंगे हमारे प्याज। ओके, प्याज, खीरा, टमाटर, एक स्लाइस हमारा पनीर का। इसमें मैं नमक नहीं ऐड करूंगी, बट आप चाहते हो इसमें नमक आप ऐड कर सकते हो। उनको मैंने काफी बारी बिना नमक के रखा है। यहाँ पे हम लगाएंगे एक ब्रेड और इस तरीके का बनेगा। ओके, सो ये रहा हमारा सैंडविच, सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट।
हमारा सैंडविच, हमारी चाय विदाउट शुगर. वेलकम बैक जी. ये था सैंडविच वन ऑप्शन. इसके अलावा हम ले सकते हैं बेसन के चिल्ले. बेसन का चिल्ला बतेरा चैनल पे मेरी रेसिपीज हैं. दाल के चीले, दाल के चीले बहुत सारे मेरे चैनल पे हैं. अब जिस दिन हमें सॉल्ट लेना है उस दिन हम क्या लेंगे, मेरे चैनल पे इतनी मैंने स्टफ रोटी रख रखी है, इतनी सारी स्टफ रोटीज की रेसिपी, उनमें से कोई भी रोटीज आप ले सकते हो. नीलम जी को ना खिचड़ी बड़ी पसंद है और बहुत सारी पुडिंग्स उनको बड़ी अच्छी लगती हैं. बट अब हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट के अंदर अगर हम हैवी खाएंगे तभी तो हम लंच में थोड़ा लाइट ले पाएंगे. सो उनका जो ब्रेकफास्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी देती थी. उसके साथ मैं चाय दे देती थी, बट कभी कभार मैं उनको बोलती थी कि चाय छोड़ दो, दही ले लो. जब उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता था तब मैं उनको देती थी आलू का परांठा. आलू के परांठे की रेसिपी भी मेरे चैनल पे आप पिक कर सकते हो. उसमें कौन कौन से टाइप के मैंने आटे यूज़ करे हैं वो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है. अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. मिड ब्रेकफास्ट में मैं काफ़ी कोशिश करती थी उनको सलाद देने की, या फिर खीरा टमाटर प्याज दे दिया और गाजर दे दिया बिना नमक से, पूरा सलाद का बाउल हो गया. या फिर मैं उनको देती थी लड्डूस. मेरे चैनल पे बतेरे लड्डूस की रेसिपीज़ है, आप कोई भी एक पिक कर सकते हो. या फिर मैं उनको देती थी चीकू. चीकू से कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे से क्योर होता है. चीकू के अलावा हम उन्हें देते थे कीवी, पाइनएप्पल्स, जो भी एक सीज़न का एक फ्रूट चल रहा होता था. अब बात करते हैं लंच की. क्योंकि नीलम जी बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते थे, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं इवन, तो लंच में मैं उन्हें देती थी कुछ ऐसा जिसकी वजह से ना उनका पूरा दिन बिना थकावट के, एनर्जी लेस वाली फीलिंग ना आए उन्हें और खाते पीते निकल जाए. यहाँ पे मैं उन्हें देती थी किनवा एंड कर्ड की खिचड़ी. मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है. ओट्स की एंड कर्ड की खिचड़ी, या फिर किसी भी टाइप की खिचड़ी, जो भी मेरे चैनल पे इतनी सारी मैंने खिचड़ी की रेसिपीज डाल रखी है, बट उसके साथ में दही एब्सोल्युटली देती ही देती थी. परंतु यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिस दिन उनका जीरो सॉल्ट था उस दिन क्या लेती थी. उस दिन मैं उन्हें देती थी चिया सीड्स एंड फ्रूट्स का एक सीरियल टाइप बाउल बना के. सो वो कैसे बनाना है चलते हैं किचन में. हम बात करते हैं लंच की. सो लंच में यहाँ पे मेरे पास है सोक चिया सीड. आधे गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच चिया सीड सोक करके रखे थे. ये बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे फेवरेट फ्रूट्स. सबसे पहले मेरे पास चीकू, बहुत अच्छा आया हुआ है सीजन में. नेक्स्ट अनार. नेक्स्ट मेरे पास है सेब. नेक्स्ट मेरे पास है बीट रूट. सबको खूब अच्छे से हमने मिक्स करा. एंड हियर वी गो, आवर लंच इज रेडी. वेलकम बैक जी. जब आप घर पे हो ना तभी जीरो सॉल्ट करना, अदरवाइज मत करना. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की. इवनिंग टी में उन्हें क्या देती थी, मैं उन्हें ना मिक्स एंड मैच चीज़ें कर देते थे. फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में उन्हें छाछ दे देती थी, बटर मिल्क हो गया, या फिर मैं उन्हें इवनिंग में कोई भी मेरे चैनल की इंच लॉस टी दे देती थी, या फिर उसके साथ में उन्हें भुना हुआ मखाना, भुना हुआ चना, इनमें से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की. नाउ डिनर में ना अफकोर्स समटाइम्स ऐसा होता था कि भैया बिल्कुल लथार्ज है चीज़ें, बिल्कुल ठीक नहीं है, बट डिनर में 90% मैंने उन्हें दिया है मिल्क. बहुत सारे जो मिल्क की रेसिपीज़ है, शीरे की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे, पपीता दे दिया. बट जिस दिन उन्हें बहुत सारी भूख होती थी तब हम उन्हें देते थे सैलेड, सब्जियों का सैलेड. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी पम्पकिन बीन्स एंड कोकोनट सैलेड की रेसिपी. चलते हैं किचन में और बनाते हैं डिनर. ओके, हम बनाने जा रहे हैं डिनर में हम बनाएंगे पम्पकिन एंड बीन्स की सब्ज़ी. और ये इतनी यम्मी बनती है, मतलब लोग पेठे के नाम से भाग जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत यम्मी बनेगी. सो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक कुकर, कुकर के अंदर मैंने तेल डाला. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा जीरा. सो मेरा जीरा भुनना चालू हो गया है. अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं डालूँगी मेरे प्याज. नेक्स्ट ये रहा मेरे पास हमारा पम्पकिन. ओके, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन पेठा मिला. आपको ऑरेंज मिलता है तो आप ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे बीन्स, आधी कटोरी जितनी बीन्स. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी सॉल्ट मेरा. ओके, पिंच ऑफ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, कम ही खाना रात को ना. और नेक्स्ट इज हिंग पाउडर.
नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा सूखा हुआ धनिया का पाउडर, नेक्स्ट भुना हुआ जीरे का पाउडर, सबको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं पानी नहीं डाल रही क्योंकि पेठा अपना पानी छोड़ेगा। मैं इसको विसल लगाऊंगी 3, पहली विसल तेज आंच पे, 2 सिम आंच पे। ओके, सो हमारी जो सब्जी है वो पक चुकी है काफी हद तक। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले लेमन, आधा नींबू। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मेरा कोकोनट, ये ऑप्शनल है बट अगर डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत यम्मी आएगा, बहुत बहुत यम्मी आएगा इस रेसिपी के साथ। एंड हियर वी गो, दिस इज एब्सोल्युटली रेडी। वेलकम बैक जी। ये जितनी भी सैलेड्स हैं कोशिश करना डिनर में 0 सॉल्ट कर दो, बट नहीं खाया जाए तो सॉल्ट पिंच, थोड़ा सा पिंच आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। जिस दिन उन्होंने शीरे लिए हैं, मिल्क लिए हैं और अंजीर का मिल्क, गुलकंद का मिल्क शेक, रू अफजा का मिल्क शेक लिया है, उस दिन तो मैं कोई भी नाइट ड्रिंक उनको नहीं देती थी। परंतु अगर उन्होंने सैलेड्स लिए हैं तब बहुत सारी चीज़ें उनकी डाइट में जाती थी इन नाइट ड्रिंक। त्रिफला का पाउडर हो गया, आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर आधे कप गर्म पानी के अंदर मिक्स करके, या फिर उनको जीरा टी दे दिया मैंने, या फिर उनको अजवाइन टी दे दिया, वाइस वर्सा बहुत सारी चीज़ें उनकी डाइट में इस तरीके से सीड्स का पानी चलता रहता था। डिटॉक्स वाटर बहुत सारे मैंने उन्हें दिए, एवरी ऑल्टरनेट डे भी दिया है क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत था। मेरे चैनल पर इतने सारे डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज़ हैं एंड कुछ स्पेसिफिक उनको जो सूट करता था होता था जिंजर का डिटॉक्स वाटर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी 7 जिंजर के डिटॉक्स वाटर की रेसिपी जो एक्सट्रीम वाटर रिटेंशन पे काम करता है। जिनकी बॉडी होती है ना जो पानी रोक लेती है, उनके ऊपर जिंजर का डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा काम करता है। एंड नॉर्मल पानी का इंटेक होता था 3 से 4 लीटर। 7 बजे के बाद मैं उन्हें कहती थी जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी पियो क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर रही थी। ब्लड टेस्ट भी कराए थे, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज भी निकली थी, बट इट्स ओके, वो मैनेजेबल थी। सो ये पूरा था नीलम जी का डाइट चार्ट। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड मेक श्योर आप अपनी डाइट में कर्ड ऐड करो अगर आपको वाटर रिटेंशन बहुत है और आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है ना, गर्म गर्माश बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जिसके अंदर मैं लेके आऊँगी 7 डिटॉक्स वाटर स्पेशली रिलेटेड टू जिंजर फॉर फास्ट वेट लॉस। एंड अनदर पार्ट, इस डाइट को करने से ना ईजिली आपका लूज होगा 7 से 8 किलो 30 डेज में, और 10 किलो तो आराम से चल जाएगा 40-45 डेज में विदाउट एनी चीटिंग। So yeah, that's it. I'll see you soon. Yeah. Bye-bye.